वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा जी आज अपन नेस वीकली मैथ कुछ 16/9/2021 वाला करन जा रहे हैं। बेटा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने थोड़ा एग्जाम ले भी, ठीक है, नेस एग्जाम ले भी, ध्यान नाल बेटा इन्हों अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। जेकर वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक कमेंट जरूर कर देना। चलो बेटा आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ दो घाती समीकरण दे, ठीक है, नो रियल रूट्स कोई वास्तविक मूल नहीं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दो वक्रे वास्तविक मूल हैं, टू इको रूट्स दो बराबर मूल हैं, मोर दैन टू रूट्स दो तो वध मूल हैं, ठीक है बेटा। ये वास्ते पहले आप फाइंड आउट करांगे डिस्क्रिमीनेंट, ठीक है। डी देखो बेटा पहले आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। जनरल इक्वेशन की होंगी बेटा दो घाती इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। हुण देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए दी वैल्यू किन्नी अपने कोल टू, ठीक है बेटा। बी दी वैल्यू किन्नी अपने कोल माइनस दे थ्री, ठीक है बेटा। सी दी वैल्यू किन्नी अपने कोल फाइव। सब तो पहला आप की कढ़ांगे डी की फार्मूला हुंदा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी किन्ना अपने कोल माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए किन्ने बेटा टू, सी किन्ने अपने कोल फाइव, थ्री का स्केयर माइनस स्केयर च खत्म हो जाएगा नाइन आ गया, ठीक है। एट न फोर नू टू ना किता एट, एट नू फाइव ना किता बेटा जी फोर्टी, ठीक है। फोर्टी के नाइन माइनस किते किन्ने आ गए अपने को थर्टी वन, पर माइनस के व्डे ने तो की बन गया माइनस थर्टी वन, ठीक है बेटा। हुण देखो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ लैस दैन जीरो आ, ठीक है, नैगटिव आई आ, तो की आऊगा अपने को नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं। यही बेटा जे डी की वैल्यू अपने को ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो फिर आप लिखते ग्रेटर इक्वल टू फिर रियल रूट्स होंगे, ठीक है, रियल रूट्स। पर जे ग्रेटर कला हों डी ग्रेटर दैन जीरो फिर आप लिखते टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दो वक्रे वास्तविक मूल हैं, ठीक है बेटा। जे यही वैल्यू डी की वैल्यू बेटा जीरो होंगी फिर आप लिखते टू इक्वल रूट्स, क्लीयर हो गए बेटा फस्ट क्वेश्चन। चलो आप सैकेंड करते हैं बेटा। अपने को फस्ट का आंसर आ गया सीगा ए नो रियल रूट्स, ठीक है। नैक्सट देखो ए सर्कल हैज़ ए नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू, एक सर्कल दिया किन्नियां स्पर्श रेखावां हन, ठीक है, स्पर्श रेखावां टेंजेंट लाइनस। देखो बेटा जिमें देखो सर्कल आ, ठीक है, हुण तुसीं जिन्नी मर्जी टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हो। आ देखो ये भी टेंजेंट लाइन है, टच कर रही है सर्कल नूं, जिथे मर्जी तुसीं टेंजेंट लाइन बेटा जी ड्रा कर सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन। पर यही जे बेटा आपां नूं सर्कल दे बाहर कोई पॉइंट दिता हुंदा तां एक्सटरनल पॉइंट तो आपां सिर्फ बेटा जी टू टेंजेंट्स लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, बाहरी बिंदु तो, पर इच कोई बिंदु नहीं क्या है बटे इन्होंने, तो यदा आंसर की आऊगा इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत। अपना आंसर आ गया बेटा जी डी ऑप्शन। नैक्सट देखो क्वेश्चन थ्री इफ ए इज इक्वल टू सैवन ए थर्टीन थर्टी फाइव है बेटा इन इज गिवन दैन फाइंड एस थर्टीन, तेरह टर्मा का बेटा आप जोड़फल फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। हुण देखो ये अपन गिवन की कुछ आ तो आप सॉल्व इनू कि करना है। आ देखो बेटा चलो आप स्टार्ट करते हैं। इस देखो बेटा ए की वैल्यू किन्नी अपने कोल सैवन, ठीक है बेटा, तो ए थर्टीन किन्ना अपने कोल थर्टी फाइव। सब तो पहला बेटा आप डी कैलकुलेट करांगे, ठीक है। आ देखो चलो अपने को फार्मूला हुंदा ए एन दा की हुंदा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बेटा। हुण देखो अपन गिवन की है ए थर्टीन, तो एन किन्नी पुट करांगे थर्टीन, ए थर्टीन इज इक्वल टू ए किन्ना सैवन प्लस थर्टीन माइनस वन इंटू डी। हुण देखो ए थर्टीन किन्ना अपने को थर्टी फाइव, ए सैवन बेटा इधर के माइनस हो जाएंगे थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व डी, ठीक है। थर्टी फाइव के विचों बेटा सैवन गए किन्ना आ गया अपने को ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ट्वेल्व डी। तो देखो बेटा डी की वैल्यू किन्नी आ गई अपने को ट्वेंटी एट बाय ट्वेल्व, ठीक है बेटा, ट्वेंटी एट बाय ट्वेल्व ये कैंसल आउट हो जूगा फोर्थ टेबल पर,
किन्नी वैल्यू आ गई अपने को 7/3, ठीक है, डी निकल गया। हुण बेटा आपां एस 13 करना, फॉर्म लगा लो एन वटा दो, की फॉर्मूला होंगे ये एस एन का बेटा जनरल, ठीक है, 2a + n-1 × d। चलो बेटा मैं दोबारे कर लैनी हाँ, ठीक है, अपने को एस एन का फॉर्मूला की होंगे एन वटा दो, ठीक है, 2a + n-1 × d। एन कि बेटा अपने को 13/2, 2a, ए कि अपने को 7 + 13 - 1 × d। डी की वैल्यू कि बेटा अपने को 7/3, ठीक है, ए बन गया 13/2, 7 2 ना किता 14, 13 च बन गया 12 × 7/3, 3 4 = 12, ठीक है बेटा। हुण देखो अपने को कितना बन गया 13/2, 14, 4 7 मल्टीप्लाई किया कि आ गया अपने को 28, ठीक है बेटा, ए बन गया 13/2, 14 + 28 कि बन गया अपने को 42, ठीक है, ये 2 के टेबल से कट गया बेटा 21, 21 13 मल्टीप्लाई किया कि आ गया 273, ये मतलब एस 13, ठीक है बेटा, 13 पदों का जोड़फल कि आ गया अपने को 273। क्लीयर हो गया बेटा, पहला डी कैलकुलेट कर लिया अपन ने, फिर एस 13 कर लिया, अपना आंसर आ गया बेटा जी ए ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा, इफ एंगल बिटवीन टू रेडी ऑफ ए सर्कल इज 130, दैन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंडस ऑफ रेडियस इज, जे चक्कर के दो अर्धव्यासों के विचकार कोण 130 है तो अर्धव्यासों के अंत बिंदुओं से बनिया स्पर्श रेखा विचकार कोण है। देखो बेटा आप ड्रा करते हैं, अपन गिवन की आ एक सर्कल है बेटा, ठीक है, ए कि ने अपने को टेंजेंट्स लाइन, आ है कि ने बेटा जी अपने को रेडियस ओ ए बी सी, ठीक है बेटा। हुण देखो अपन होर की गिवन है बेटा, यह अपन ने कैलकुलेट करना है, जिहड़े रेडियस ने उन्हां विचकार अपन एंगल देता 130, ठीक है, ये याद रखना रेडियस ते स्पर्श रेखा अर्धव्यास ते स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन ते रेडियस दे विचकार जिहड़ा एंगल हुंदा आ वह किन्ने दा हुंदा 90 दा, ए भी 90 हो गया, सी भी 90 हो गया, ठीक है, अपने कोल ए एंगल आ गया बेटा जी 90, ठीक है, सी भी किन्ना हो गया बेटा जी अपने कोल 90, ठीक है, तो अपने को जिहड़ा एंगल ओ आ ओ किन्ना अपने कोल 130। क्लीयर हो गया बेटा, हुण आपां कढ़ना की है एंगल बी, दो टेंजेंट लाइनस दे विचकार वाला एंगल, तो एंगल बी किन्ना हो अपने कोल 4 एंगल्स ने, एंगल्स ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाडलेटर दा जोड़ किन्ना हुंदा बेटा जी 360, ठीक है, तो बेटा 360 दे विच आपां माइनस कर देंगे ये सारे एंगल, 90 + 90 + 130, ठीक है, ये बन गए बेटा 360 माइनस, तुसी इन्हां नूं जोड़ दो, देखो जोड़ के किन्ना आ गया अपने को 90 + 90 + 130, ठीक है, ये बन गए बेटा अपने को 310, जिन्हों माइनस करोगे कि आ गया अपने को 50 डिग्री, यद मतलब टू टेंजेंट लाइन के विचकार कि एंगल आ गया बेटा जी 50 डिग्री। क्लीयर हो गया बेटा, अपना आंसर आ गया ये बी ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटरनल पॉइंट पी ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ इज़, ओ केंद्र वाले चक्कर के बाहरी बिंदु पी तो खिंची स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देखो बेटा ये क्वेश्चन ध्यान ना समझना तुसी ने, मैं थोड़ा डायग्राम ना ड्रा करके ही समझावांगी। देखो बेटा जिम्मे सर्कल अपने कोल, ठीक है, उस तो बाद देखो बेटा किसी बाहरी बिंदु तो मान लो बिंदु ले लिया मैंने कोई, आ मैंने टेंजेंट्स लाइनस ड्रा कीतियां ने, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट किन्ना पी, आ के अपने को सेंटर ओ, ठीक है बेटा। हुण अपने ए देखना जिहड़ा लेंथ ऑफ टेंजेंट आ, चलो मैं ए का नाम दे लैनी हाँ, इहनू बी का नाम दे लैनी हाँ, आलवेज ग्रेटर दैन ओ पी, जिहड़ा ए पी आ बेटा वह ओ पी तो ग्रेटर आ कि लैस आ कि इक्वल आ, ठीक है, जां नन ऑफ दीस, इहदी आपां रिलेशन फाइंड आउट करनी आ। आ देखो बेटा सौखा तरीके नाल तुहानूं समझाउनी आ, आपां ओ ए नूं जॉइन करदे पहलां तां ते ओ बी नूं वी जॉइन करदे हां। देखो बेटा आ एंगल 90 होएगा क्योंकि रेडियस
ਅਤੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 90 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਣਿਆ ਕੋਣ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 90 ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਗ੍ਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ। ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ 90 ਹੈ, 90 ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਓ ਪੀ। ਜਿਹੜਾ ਓ ਪੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓ ਪੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਏ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਓ ਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਪੀ ਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਓ ਪੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਏ ਪੀ ਨਾਲੋਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਏ ਪੀ ਆ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਓ ਪੀ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਓ ਪੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓ ਪੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈੱਸ ਦੈਨ ਓ ਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਓ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈੱਸ, ਸਮਾਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਓ ਪੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਰਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।